का महापाप सौ छोटे मोटे पाप एक महापाप बनता है वो हो जाता है अगर घर से निकलते हो एक बार खाली एक बार एक मंत्र जप कर निकलो भयंकर एक्सीडेंट की घटना से आप बच जाओगे वो भविष्य में नहीं उसी दिन आपको अनुभव होगा कि शरीर में आनंद उल्लास और स्फूर्ति आ गई घर के झगड़े गायब शांति आपके स्वभाव में आपके निर्णय में चार चांद लग जाएंगे बिल्कुल पक्की ब्रह्म हत्या जैसा अपराध किसी ने किया है महापाप किया हुआ हो रविवार और एकादशी को बिली के पेड़ का पूजन करे और प्रदक्षिणा करे उसका महापाप सौ छोटे मोटे पाप एक महापाप बनता है वो क्षम्य हो जाता है छह महीने तक बिली का पत्ता बासी नहीं माना जाता है शिव जी को चढ़ाओ या धो धो के फिर उपयोग में लाया जा सकता है बेल पत्ता तीन होते हैं बिली पत्ते में वो तीन मसल के उसका और पानी में डाल के फिर स्नान करो पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती है अगर घर से निकलते हो एक बार खाली एक बार एक मंत्र जप कर निकलो भयंकर एक्सीडेंट की घटना से आप बच जाओगे वो मंत्र है ओम त्रंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वरुकमी व बंधनात् मृत्युर्मोक्ष मृता बस यात्रा करो कैसे भी यात्रा करते जाओ सुरक्षा हो जाती मंत्र में अद्भुत शक्ति है। और एक खास वेदों में उपटन बताया गया उस उपटन से स्नान किया मैंने तो मेरे को एकदम चमत्कारिक अनुभव हुआ आप लोग उसका फायदा उठा सकते सात चीजें उसको पीस डाला और बन गया उपटन पानी डाल दिया घोल बना दिया सिर पर थोड़ा डाला ललाट पर लेप किया हृदय पर रख जरा सा स्पर्श किया नाभी को दो भुजाओं को और फिर थोड़ा लेके सारे शरीर को मला इस उपटन से आप स्नान करेंगे पाप तो नाश होते हैं वो भविष्य में नहीं उसी दिन आपको अनुभव होगा कि शरीर में आनंद उल्लास और स्फूर्ति आ गई दौड़ धूप करने वाले नंगे पैर घूमने वाले लोगों को तो खास करना ही सात चीजें बड़ी सरल है एक तो गेहूं गेहूं का आटा मान लो सात चीजें गेहूं जव चावल मूंग उड़द चना और तिल इन सात चीजों को पिसा के मिश्रण बना दिया थोड़ा सा पाउडर लिया आटा घोल बना लिया ये स्नान करने से बड़ी स्फूर्ति रहती है तो ऐसी ऐसी वेदों में शास्त्रों में बातें हैं कि हजारों लाखों रुपया खर्चा करने से घर के कलह नहीं जाते कोर्ट कचहरी में लोग भटकते लेकिन घर का एक मुखिया एक लोटा पानी का अपने सिराने पलंग के नीचे रख सुबह नींद में से उठे ओम नमो नारायणायण ओम नमो नारायण शांति फिर उस कलश को देखे पीपल देवता को अर्पण कर दे घर के झगड़े गायब सुख शांति बढ़ जाएगी स्नान करने के बाद घर के कोई भी लोग आप सभी लोग स्नान करने के बाद कटोरी में पानी लो हरि ओम कुभाव से भी अग्नि में हाथ डालते तो जलता है ऐसे कुभाव से भी हरि शब्द बोलने से नाभि केंद्र का मणिपुर केंद्र का विकास होता है तुम्हारी प्राण शक्ति मन शक्ति रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है हरिओम 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 सौ बार लगभग जपा और पानी देखा घर में छाटा और पानी पिया आपके स्वभाव में आपके निर्णय में चार चांद लग जाएंगे बिल्कुल पक्की गारंटी वेद पाठ करने से पुण्य होता है पापनाशिनी ऊर्जा पैदा होती है लेकिन वेद पाठ के पहले ब्राह्मणों का कर्तव्य हो जाता है हरि ओम यज्ञ न माया जंतवास्थानी दार माए और वेद पाठ पूरा हो गया तो हरि ही हरि ओम जाने अनजाने पवित्र करने वाले वेद पाठ में भी कोई गलती रह गई हो तो ओम उसकी गलती को हर के हमारे हृदय में अपनी करुणा कृपा भर देता है हमारे सारे सत्संग इतने सफल होते हैं आते भी हरिओम जाते भी हरिओम और बीच में भी हरिओम चुमवालीस साल हो गए एक भी सत्संग हमारा विफल नहीं गया एक भी सत्संग हमारा कैंसिल नहीं हुआ और पाकिस्तान के कराची के काजी अब्दुल्ला मैदान में ऐसा पंडाल लगाकर सत्संग करके आए कोई सिक्योरिटी विक्योरिटी नहीं इष्ट मजबूत होता है तो अनिष्ट दूर ही रह जाता है बस हरी ओ विद्युत की शक्ति बम की शक्ति हाइड्रोलिक शक्ति फलानी शक्ति ये सब भौतिक शक्तियां हैं मंत्र आदि देविक शक्ति मैदानों ने रिसर्च किया था कि हम स्वर्ग में जाने वाला रॉकेट बनाएंगे अर्जुन को बोला थोड़ा रुक जाओ हम रॉकेट बनाते हैं तुम उसी में चले जाना स्वर्ग में अर्जुन ने कहा तुम्हारा रॉकेट यंत्रों के बल वाला है उसमें रजोगुण होगा और कईयों का साथ सहयोग होगा और न जाने ये रॉकेट कब रॉकेट शब्द में मिलाता यान स्वर्ग में जाने वाला यान बनाता हूं मैं दोनों बड़ा साइंटिस्ट हो गया पांच हजार दो सौ तीस वर्ष पहले ऐसे ऐसे नगर बना देता ऐसे ऐसे उसने आविष्कार किए कि स्वर्ग में जाने का जहाज बना वो यान बनाता हूँ रॉकेट बनाता अर्जुन ने कहा नहीं चाहिए तुम्हारा यान तुम्हारा रॉकेट में हम नहीं जाएंगे स्वर्ग में मैं अपनी मंत्र शक्ति की धारणा शक्ति की उपासना करके स स्वर्ग में जाऊँगा अर्जुन तो स्वर्ग में गया और अर्जुन का प्रभाव और तेज देखकर उर्वंशी अप्सरा लट्टू हो गई के तेरे बिना भी, भी क्या जीना अर्जुन मुझे अपनी बाहों में ले ले बोले माता जी माताजी माता जी बोलते तुम इतने सुंदर जवान और मैं ऐसी सुंदरी स्वर्ग के अप्सरा जैसे सितारों में चांद ऐसे अप्सराओं में भी उर्वंशी सर्वोपरि और मैं तुम्हारे को पति रूप में वर्ण करना चाहती बोले नहीं माता जी मैं अपना यौन संयम नहीं छोड़ सकता हूँ मैं अपनी कमर तोड़ नहीं सकता हूं दो पांच घड़ी के हर्ष के लिए कमर तोड़कर मैं अपना बल बुद्धि ओज आयुष नाश नहीं करूंगा है मेरे को उपदेश मत दे स्त्री को काम सता है अगर पुरुष युवान है क्षम है तो ऋतुदान देना चाहिए ये करना चाहिए बोले माता ये ये मैं काम नहीं पाप कर नहीं कर सकता बोले अब अब काम दबेगा तो क्रोध होता है मुझे क्रुद्ध होने से तुम बचाओ क्रोध मत करो मान जाओ मेरी बात शादी नहीं करते तो कम से कम एक बार तो मेरे को अपनी भुजाओं में ले लो मतलब एक बार तो मेरे से सेक्स कर लो संभोग कर लो अर्जुन कैसा बहादुर बोले नहीं देवी तो मैं श्राप दूंगी तेरा श्राप मैं शिरोधार्य करता हूं उर्वंशी ने श्राप दिया एक साल तक तू हिजड़ा बन जाएगा बोले शिरोधार्य है विराट नगर विराटनगर के राजा के यहाँ अज्ञातवास में काम आया राजकुमारी को नृत्य और गान सिखाने में अर्जुन ने उसका श्राप का भी फायदा उठा लिया ऐसा अर्जुन तो मंत्र शक्ति से स्वर्ग में जाकर आ गया लेकिन मैदानों ने अभी तक सफलता हासिल नहीं की मैदानों के बच्चे अभी विज्ञानी जख मार मार के थक गए अभी तक स्वर्ग का पता ही नहीं चंद्रलोक में गए हैं बिल्कुल झूठी बात है चंद्रलोक में नहीं गए हैं हमारे गुरुजी ने बताया चंद्रलोक कुछ अलग है ये चंद्रमंडल में जा के आए हैं इसी को चंद्र लोग बोल रहे हैं और चंद्र मंडल में गए इसके ऊपर क्या क्या ऊपर है जहाँ ये शरीर की सूक्ष्म अंतवाहक शरीर और दूसरी यौगिक शक्तियों का मिश्रण करके आदमी स्वर्ग में जाकर वापस भी आते हैं ऐसा हमारा इतिहास उज्जवल इतिहास आज भी विज्ञान को चैलेंज करना है तो अभी तक वो नहीं गए स्वर्ग तक पैराडाइज तक नहीं गए और अर्जुन तो पांच हजार दो सौ तीस वर्ष पहले जाके भी आ गया हथियार भी ले आया